तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं गुड लॉक के एक और फीचर के बारे में बात करूंगा कि इस कैफ़े के बारे में। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से जो कीबोर्ड है सैमसंग का उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहां पर आप इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं, कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 95 लाइक, 95 लाइक आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गुड लॉक को ओपन करना है, यहाँ पर फैमिली पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको कीज कैफे देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। अगर ये डाउनलोड नहीं है तो गैलेक्सी स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, साथ में थीम पार्क को भी आपको डाउनलोड कर लेना है गैलेक्सी स्टोर से। उसके बाद कीज कैफे को आपको ओपन करना है। यहाँ पर हमें तीन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला है मेक योर ऑन कीबोर्ड, तो यहाँ पर आप कीबोर्ड के कीज को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हिंदी का कीबोर्ड है तो यहाँ पर प्लस पे मैंने क्लिक किया, इसके बाद एडिट पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो कीज़ हैं यहाँ पर आप कीज़ ऐड कर सकते हैं, कीज़ को रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इंग्लिश का कीबोर्ड है उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एडिट पे कर देना है क्लिक, और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे कीज़ देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे आपको इमोजी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको इसे कस्टमाइज कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ, तो आपको भी कुछ इसी तरह से अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज कर लेना है। यहाँ पर आप काफ़ी सारे कीज़ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने कीबोर्ड को एडिट किया। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है और इसको सेव कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर मैं सेव कर लेता हूँ, नेम इंटर कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से एडिट किया है। मैंने यहाँ पर कुछ इमोजी ऐड कर दिए हैं, साथ में कुछ कीज़ भी ऐड किए हैं। तो आप भी कुछ इस तरह से यहाँ पर कीज़ को एडिट कर सकते हैं सैमसंग कीबोर्ड के अंदर। इसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो नेक्स्ट फीचर है हमारा सिंबल का। तो यहाँ पर आप सिंबल्स को भी एडिट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पर उसी तरह से एडिट करना जैसे आपने कीज़ एडिट किया है, तो यहाँ पर आपको एडिट कर लेना है। उसके बाद अगला ऑप्शन है स्टाइल योर ऑन कीबोर्ड, तो इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे थीम्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड के लिए। तो ये कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको थीम पार्क एप्लीकेशन को भी अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थीम यहाँ से अप्लाई कर लिया है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे थीम्स देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर थीम्स को अप्लाई कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी अप्लाई हो रहा है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे थीम्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे थीम्स यहाँ पर रिकमेंड किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्लस पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर जो कीबोर्ड है उसको एडिट भी कर सकते हैं, आप खुद का थीम भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कलर चूज कर लेना है, उसके बाद यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी को चूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके अलावा यहाँ पर आप कोई इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद आपको इसे सेव कर लेना, तो यहाँ पर नेम मैं इंटर कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसे अप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज किया है। आप भी कुछ इसी तरह से अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला ऑप्शन है हमारा इफ़ेक्ट का, तो यहाँ से आप इफ़ेक्ट
दे सकते हैं कीबोर्ड में। यहाँ पर देख सकते हैं कीबोर्ड कलर इफेक्ट, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी इफेक्ट यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है की कलर इफेक्ट, तो यहाँ पर जो की का कलर इफेक्ट है आप यहाँ से चूज कर सकते हैं, यहाँ से आपको 5 इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा है की मोशन इफेक्ट, तो जो की मोशन करता है उसके इफेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं, आपको 3 इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर बात करें तो अगला ऑप्शन है साउंड का, तो आप कीबोर्ड के साउंड को भी यहाँ से बदल सकते हैं, आपको काफ़ी सारे साउंड्स देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको सुना देता हूँ, तो यहाँ से आप कीबोर्ड के साउंड को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 गेम्स भी देखने को मिल जाते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप कुछ इस तरह से अपने कीबोर्ड को कस्टमाइज कर सकते हैं किस कैफ़े की मदद से। तो इंस्टॉल कीजिए गैलेक्सी स्टोर से गुड लॉक एप्लीकेशन को, उसके बाद किस कैफ़े एप्लीकेशन को, और यूज कीजिए इन सभी फीचर्स को और कस्टमाइज कीजिए अपने सैमसंग कीबोर्ड को। तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।